तस्वीर देखिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी को 56 इंच का सीना ताने, विरोधियों को करारा जवाब देते, जनहित के फैसले लेते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जब पीएम जूते उतारकर किसी के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए नजर आए तो इसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और साथ ही साथ सबके जहन में यही सवाल आया कि आखिर कौन है ये महिला जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री झुककर प्रणाम करते हुए नजर आए। चलिए आज ये हम आपको बताते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जहां कहीं भी जाते हैं वहीं पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, कभी अपनी बातों के जरिए तो कभी अपने संस्कारों के जरिए। और एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। फरीदाबाद में अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने मंच पर कुछ ऐसा कर दिया जिसने हर किसी को उनका कायल कर दिया। दरअसल बुधवार को पीएम ने हरियाणा के फरीदाबाद में माता अमृतानंदमयी मठ की तरफ से संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसी दौरान पीएम ने मंच पर मौजूद माता अमृतानंदमयी के पैर छुए, उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद दिया। ये सब करने से पहले पीएम ने जूते भी उतारे। ठीक उसी तरह जैसे हम भगवान को पूजते हैं, पीएम ने माता अमृतानंदमयी अम्मा का आदर सत्कार किया। पीएम ने अम्मा को फूलों की माला भी पहनाई। पीएम के इन्हीं संस्कारों की हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें माता अमृतानंदमयी देवी को विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। उनके शिष्य उन्हें अम्माची और माँ कहकर भी पुकारते हैं। अम्मा के अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हैं। अम्मा को उनके मठ की तरफ से किए गए सामाजिक कार्य जैसे स्कूल खुलवाना, अस्पताल बनवाना और ऐसे ही कई कामों की वजह से जाना जाता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि अम्मा को गले लगाने वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने हर अनुयायी को गले लगाती हैं। कहा जाता है कि जब अम्मा 5 साल की थी तब से उन्होंने कृष्ण भक्ति में समय देना शुरू कर दिया था। करोड़ों लोग अम्मा को अपना गुरु मानते हैं। खुद एक बार पीएम मोदी ने भी खुद को अम्मा का बड़ा भक्त बताया था। बहरहाल जाते जाते आपको ये वीडियो फिर से दिखाते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। 8 मिनट का कर देना इसे।